फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकिताज डेढ़ास ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें, उससे आपको मेरी नई नई वीडियोज की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो आज का व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उस व्लॉग में मैं आपको अपना कुछ सूट कलेक्शन दिखाऊंगी और वो सारे ही सूट मेरे ब्लैक कलर के हैं। उसमें कुछ मैंने ऑनलाइन परचेज किए थे और कुछ मैं मार्केट से लेके आई थी। तो मैं आज का व्लॉग आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। सारे सूट्स की डिटेल मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ये है मेरा पहला सूट, बांधनी का, बांधनी सूट है ये। इसका कपड़ा सिल्क का है, सिल्क का कपड़ा है। उस टाइम पे ये जब मैंने खरीदा था तो बहुत ही मतलब सुकड़ा हुआ था, तो पहले इस पे मुझे चरक करानी पड़ी, उसके बाद स्टिचिंग कराई। इसके जो नेक पे गोटा पत्ती का वर्क है और ये गोटा पत्ती वर्क भी है और कुछ स्टोन लगे हुए हैं, ये पैच लगी हुई है इसके ऊपर। ये बिल्कुल मैंने सिंपल स्टिच कराया है। ये देखो, ये इसकी नेक है, इस पे गोटा पत्ती वर्क है, यहाँ पे एक टाई बनी हुई है। बस मैंने इसकी ये बाजू फ्रिल वाली बनाई थी। वाटर स्लीव्स पहनती हूँ मैं, तो उसमें ये बहुत छोटी ही बाजू निकल रही थी इसकी, तो उसके लिए मैंने इसमें 2 इंच की फ्रिल लगवा दी। ये आप देख सकते हो, पीछे से ये पूरा प्लेन है। इसके नेक पे ही गोटा वर्क है और यहाँ पे बूटी बनी हुई है पूरे सूट पे, ये इस टाइप से। ये इसका दुपट्टा है, बांधनी दुपट्टा। इसके चारों साइड ये वाली लेस है, ये बीड्स लगे हुए हैं लेस में। और ये इसके कोने पे ये वाले लटकन लगे हुए हैं, काफी अच्छा लगता है ये पहनने के बाद। मैंने इसके साथ सलवार ही स्टिच कराई है, पटियाली सलवार, और इसकी सलवार का कपड़ा भी सिल्क है। और ये ड्राई क्लीन का सूट है, इसे हम घर में वॉश नहीं कर सकते, एक दो बार तो हमें ड्राई क्लीन करानी ही पड़ेगी। और जो मेरा नेक्स्ट सूट है वो रेडीमेड है, ये वाला। इसका फैब्रिक है जॉर्जेट, इसका ये बोट नेक है, नेक पे ये वाले बीड्स लगे हुए हैं और एक साइड ये पैच आई हुई है इसके नेक पे, एक ही स्लीव पे ये वाली पैच आई हुई है, राइट हैंड साइड जो स्लीव है उस पे ये वाली पैच है। ये पैच में गोटा वर्क है, एम्ब्रॉयडरी भी है, इसी टाइप की पैच इसके नेक पे आई हुई है। और ये यहां से बीच में इसमें ये एक स्लीव आई हुई है और ये काफी लॉन्ग है, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन एक व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से परचेज किया था। इसके साथ ये वाला प्लाजो है, प्लाजो के साइड पे वाली पैच आई हुई है, ये जो बीच में स्लिट दी हुई थी उस सूट के अंदर, वहां से ये दिखती है जब पहनते हैं। ये देखिए, जॉर्जेट का ही प्लाजो है और प्लाजो में भी इनर दी हुई है, ये वाली सेंटून की इनर दी हुई है, देख सकते हो आप। एक मेरा ये वाला सूट है, ये पार्टी वेयर हैवी सूट है, कोई जैसे बहुत बड़ा फंक्शन है, शादी पार्टी, तो फेस्टिवल, कोई बड़ा फेस्टिवल है तो हम तब इसे वेयर कर सकते हैं। ये मैंने ये ऑनलाइन परचेज नहीं किया था, ये मार्केट से लेके आई थी। इसके भी नेक पे ये गोटा वर्क है और नलकी वर्क है, स्टोन भी लगे हुए हैं, इसके स्लीव्स पे छोटे छोटे स्टोन है और एक ये एम्ब्रॉयडरी से फ्लावर बना हुआ है दोनों स्लीव्स पे। और यहाँ पे भी इसमें काफी वर्क है जाल वाला दोनों साइड, आप देख सकते हैं ये। और इसके नीचे बॉर्डर पे ये गोटा लगा हुआ है, फ्रंट में भी और बैक में भी। और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम हैवी लुक देता है। हमें कभी कभी ऐसे सूटों की भी जरूरत होती है जो बहुत हैवी हो, जिससे हम कहीं शादी में जा रहे हैं या पार्टी में जा रहे हैं या कोई फेस्टिवल हो। ये आप देखो,
पीस का दुपट्टा है, प्लेन दुपट्टा है शिफॉन का, और दुपट्टे में चारों तरफ ये गोटा लेस लगी हुई है और छोटे छोटे सीक्वेंस दिए हुए हैं इसके ऊपर। और इसके साथ मैंने ये प्लाजो स्टिच कराया था ये, और प्लाजो का जो कपड़ा है ये सेंटून है, तो मैंने इसका प्लाजो बनवाया था। और जो ये मेरा नेक्स्ट सूट है ये सिल्क का सूट है, और ये एक सॉन्ग है पंजाबी सॉन्ग बेल बॉटम बानी संधू का, ये मैंने उस सॉन्ग में ये वाला सूट देखा था तब मैंने ये ऑनलाइन परचेज किया था। इस पे एम्ब्रॉयडरी, नेक पे ये वाली एम्ब्रॉयडरी हुई है, इस एम्ब्रॉयडरी में सीक्वेंस भी लगे हुए हैं और गोटा वर्क भी दे रखा है, नलकी वर्क भी है, ये बीड्स भी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। बहुत सुंदर सूट है और पूरे सूट पे छोटे छोटे सीक्वेंस लगे हुए हैं। और जो इसकी सबसे स्पेशल बात है वो है इस पे गन बनी हुई है, ये देखो ये गन मुझे बहुत सुंदर लगी, ये वाली गन। बाकी मैंने पूरा सिंपल स्टिच कराया है, क्वार्टर स्लीव्स बनवाती हूँ मैं अपने हर सूट की। और जो इसके साथ दुपट्टा है वो नेट का दुपट्टा है, ये आप देख सकते हो। इसके साइड्स में कट वर्क दिया हुआ है, टेप एम्ब्रॉयडरी के फ्लावर बने हैं और ये दोनों साइड में बीड्स वाली लेस लगी हुई है। ये भी सूट काफी सुंदर लगता है पहनने के बाद। और जो इसकी सलवार का फैब्रिक है वो उपाड़ा है, सॉरी सूट का भी उपाड़ा है और सलवार का भी उपाड़ा सिल्क, तो मैंने इसकी पटियाला सलवार स्टिच कराई है, ये थोड़े ऊंचे वाले पहुंचे जिससे पंजाबी लुक आता है, काफी सुंदर लगता है ये सूट पहनने के बाद। एक मेरा ये लखनवी गाउन है, 56 कली का गाउन है मेरा ये लखनवी, इसपे पूरे गाउन पे लखनवी वर्क है, गले पे ये तीन बटन लगे हुए हैं पोटली वाले, पोटली बटन लगे हुए हैं ये। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी लखनवी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये इसके बैक में भी एम्ब्रॉयडरी है। और आप देख सकते हैं इसका घेरा बहुत भारी घेरा है क्योंकि इसमें पूरी 56 कली है, 56 कली इसका लखनवी गाउन है ये, पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है, आप देख सकते हैं इसके पूरे पे लखनऊ वर्क है, ये काफी ट्रांसपेरेंट है तो इसके नीचे मैंने कॉटन का इनर बनवाया हुआ है और इसके लिए अलग से मैंने ब्लैक लेगी ली। अब मेरा ये एक सूट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज किया था, ये वहीं से स्टिच होके आया था बुटीक से, इसका फैब्रिक है रियॉन, वो जो लखनवी मेरा अभी गाउन था वो आपने देखा उसका फैब्रिक जॉर्जेट है, और इसका फैब्रिक है रियॉन, ये भी कली वाला है आप देख सकते हैं। इसका ये वाला नेक है, नेक पे सिल्वर कलर का गोटा लगा हुआ है, ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी ये सिल्वर कलर का गोटा लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा छोटा वाला है, ये थोड़ा चौड़ा वाला है और ये थोड़ा पतला वाला। और इसका ये बैक नेक है, नेक में ये बहुत ही सुंदर लटकन लगे हुए हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं, ये इस टाइप से चार लटकन लगे हुए हैं इसमें। और ये कली वाला अनारकली सूट है, इसके बॉर्डर में भी आप देख सकते हैं ये सिल्वर कलर की गोटा लगा हुआ है, पूरे बॉर्डर पे नीचे बॉटम में सिल्वर कलर का गोटा है, और जहां जहां पे इसकी कलियों को उन्होंने जॉइंट किया है वहां पे भी सिल्वर कलर की गोटा लेस लगी हुई है, आप देख सकते हो। इसके साथ ब्लैक रियॉन का ही प्लाजो है और ये ऑर्गेंजा का दुपट्टा है, इसके साथ दुपट्टे पे चारों तरफ ये गोटा लेस लगी हुई है सिल्वर कलर की, ये भी पहनने के बाद काफी अच्छा लुक देता है, ये देखो
ऑर्गेन्जा दुपट्टा है ब्लैक कलर का। व्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ मुझे किस किस टाइप की वीडियो आपके लिए बनानी चाहिए, मैं आपके लिए वैसी वीडियो लेके आऊंगी। अगर आप आगे भी मेरे सूट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।